for now हमने डायनामो की टीम को ड्रॉप करते हुए देखा है. They I think they are going towards Lipovka. He's going towards the loot spot I guess. वो अपना loot spot की तरफ जा रहे हैं. पर मैं यहाँ पे सर्कल की बात करना चाहता हूँ ओशन. Although हमें दिख रहा है कि सर्कल काफी हद तक यस्ना की तरफ है, पर ऐसा फीलिंग आया सर्कल देख के कि यस्ना थोड़ा साउथ ईस्टर्न पार्ट ना, वो जो हिल्स का एरिया होता है, रिजेस होते हैं जहाँ पे बहुत, वहाँ सर्कल बन सकता है. सो आई थिंक जो टीम्स लिपोवका की तरफ है, यस्ना की तरफ है, उनके पास बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि वो ये फटाफट लूट करे एंड मूव इन करे अपने एक अच्छा रिच को होल्ड करने के लिए. Meanwhile, we have the first ever kill in history of Battlegrounds Mobile India. GFears यहाँ पे पिक ऑफ हो गए एंड वी हैव अ नॉक फॉर एंड ऑल्सो रेगल्टॉस भी पिक ऑफ हो सकते थे ओआर के आदित्य से जस्ट बचते हुए, राइट. एंड यहाँ पे अगर आप देखो जिस तरह से इन लोग मूव इन कर रहे हैं, डेस्ट्रो पिक ऑफ किए मवी को एंड यहाँ पे इंस्टेंटली कवर फायर आया आदित्य के तरफ से एंड यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रबल मॉर्टल के टीम के लिए. दो प्लेयर्स डाउन है. स्काउट और मॉर्टल को इंस्टेंटली मूव इन करना होगा. पीछे से बैकअप भी आ रहे हैं वैक्सी और आदित्य. वहां पे शायद उनको डिफेंड करना चाहेंगे बट नो, वहां पे स्काउट कवर फायर दे रहे हैं. ऊपर जाके रिवाइव का प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. डेस्ट्रो को अभी तक फिनिश नहीं किया गया है, जो अब स्काउट आके कंफर्म करेंगे. यहाँ पे पुश हो चुका है वैक्सी का पुश आते हुए. इट्स अ 2v2 सिचुएशन पर मॉर्टल इज ऑन रिवाइव राइट नाउ. व्हाट डू यू थिंक ओशन? I would see, you know what happens because Scout भी हल्का सा बैक एंड पर है और यहाँ पर Vexy बिल्कुल एक आगे का अच्छा खासा भार अपने लिए संभाल सकते हैं. He just needs to move forward to take up all these fights और वो धीरे-धीरे कोशिश कर भी रहे हैं, बट उनको ये पता रहना चाहिए कि उन्होंने भी अपने एक प्लेयर को खो दिया है. So now he just have to, you know, move forward. Clash Universe एक दूसरे एंगल को होल्ड कर रहा है और साइड पर वहीं पर फाइट शुरू हो चुकी है जहां पर हल्के फुल्के शॉट्स लिए जरूर गए थे और जो सोल का स्क्वाड है, जो मॉर्टल का स्क्वाड है, वो जस्ट एक अपर एरिया, एक अपर एज अपने लिए होल्ड कर चुका है और उन्होंने ही यहाँ पर ये जो पिक निकाला है, दैट काइंड ऑफ जस्ट गिव्स देम अ गुड मोरल बूस्ट. थ्रोएबल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्मोक्स डाले, थोड़ी देर के लिए बैक ऑफ करना पड़ सकता है. वेक्सी के सामने प्लेयर्स कूदते नजर आ रहे हैं. नीचे की तरफ आदित्य वहां पर आ चुके हैं. वेक्सी एक अच्छा एंगल होल्ड कर टीवी एंगल लिया, रेगल्स को डाउन कर चुके हैं. इसी साइड पर फिर से किसी तरह को जाना चाहिए, बट ट्रेड्स आते हुए स्काउट आदित्य और मॉडल को डाउन कर दिया, बट स्काउट ने हमारे एक और प्लेयर को डाउन कर दिया. गन चेंज करते नजर आएंगे, रीलोड पर जाती हुई उनकी गन. He would want to finish the players first and yes, वो finish करते नजर आएंगे और अब यहाँ पर revives की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. टीम मॉर्टल यहाँ पर अपना तीसरा किल निकाल सकते हैं, लेकिन उनको प्लेयर्स को revive भी करना पड़ेगा और क्लैश यूनिवर्स पीछे के एरिया पर बचे हुए हैं. Yes, and बात करते हैं नए गेम BGMI के साथ, नए लाइनअप्स के. तो मुझे देखने को मिला अभी रौनक की लाइनअप जो भी है एंड यहाँ पे मॉर्टल बिल्कुल ऑफ गार्ड पकड़े जा सकता है एंड यस गेट्स कॉट कंप्लीटली ऑफ गार्ड. यहाँ पे बचने की कोशिश बट डेफिनेटली क्लैश यूनिवर्स इज गोना पाउंस ऑन हिम. बहुत ही ज्यादा ऑफ गार्ड पकड़े गए एंड ही पेज द प्राइस इमीडिएटली. एंड अब मतलब दिस वाज समथिंग जो क्लैश यूनिवर्स ने बहुत अच्छा कन्वर्ट किया. थोड़ा मैं केयरलेसनेस बोलूंगा एंड यहाँ पे मॉर्टल भी आते हुए बट इट्स द एंटायर टीम, सॉरी यहाँ पे मवी भी आते हुए बट द एंटायर टीम पुशिंग इन एंड मोटी मॉर्टल इज डाउन टू 3 मैन अनफॉर्चुनेटली. ग्राई कोशिक एंड वहां पे घातक के टीम का भी हमें हल्का सा रोटेशन देखने को मिल रहा है आंखों के सामने से निकलते हुए एंड घातक की टीम वहां पे बिल्कुल ओपन में रुक गए हैं जितना मुझे दिख रहा है. यस, 3 प्लेयर ओपन में रुके थे, व्हीकल के सामने प्रोन करके रखे हैं. थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, आई मीन डायनेमो की टीम उनके लिए दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं. देखते हैं वो कैसे इस पूरी सिचुएशन से निकलेंगे. मीनवाइल गॉड लाइक से क्रॉन्टेन, टीम क्रॉन्टेन जो है वो भी पीछे की तरफ छुपे बैठे हैं. बहुत ही प्यारा कवर बना लिया जी के प्लेयर्स ने अगर आप देखोगे तो. बिल्कुल बहुत प्यारा कवर तो बना लिया उन्होंने, लेकिन अब बात यही आती है, आप देख सकते हैं साइज गेमिंग मल्टी ऑलराइट वो भी पिक्स यहाँ पर किए जा रहे हैं और इन सब चीजों के अंदर जी जिन्होंने अपने एक प्लेयर को सबसे पहले खोया था, पीएस वहां पर जरूर डिफीट हुए थे, उनको पहले फिनिश किया गया था. तो बाकी जो 3 प्लेयर्स है ये अपने प्लान बी के साथ रेडी थे. प्लान बी इज लाइक यू नो 3 मैन स्क्वाड किस तरीके से खेलता है उस चीज के लिए पूरा रेडी है और अलादीन को आप देख सकते हैं अपोजिंग के फेरोसिटी को उन्होंने पिक कर जरूर लिया, वो फिनिश भी आराम से निकालने की कोशिश करेंगे. और इन सब चीजों बीच में आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉन्टन का लाइनअप ये भी तैयार है मूव करने के लिए. सर्कल में ज्यादा दूर तो नहीं जाना है इनको, काफी करीब है तो आगे जाकर के अपने व्हीकल्स लगा सकते हैं, एक परफेक्ट कवर बना सकते हैं. बट डू दे हैव इनफ व्हीकल्स? एक अच्छा बी शेप में अगर एक कवर बनाना चाहिए किसी पेड़ के साथ तो बहुत बेहतरीन तरीके से इनको विजन भी मिलेगा और ये फाइट्स भी निकाल सकते हैं. बिल्कुल करेक्ट पहचाना आपने. यहाँ पे मुझे जो दिख रहे टीम्स अभी भी काफी इंटेंसली सर्कल को प्रायोरिटी दे रही है. आप देख सकते हो 16 टीम 56 प्लेयर अभी बचे हैं. हल्की फुल्की फाइट थी पर हर टीम ने फाइट को अवॉइड करके अल्टीमेटली सर्कल के अंदर गई. मॉर्टल गेमर्स वहां पे रेवेनेंट के पैराडॉक्स को पिक ऑफ करते हुए. सो आई थिंक डायनेमो की टीम में थोड़ी तकलीफ है पर मोस्टली देखने को मिला. दैट्स अ गुड थिंग राइट नाउ. वो ट्राई कर रहे हैं कि अगर कहीं से भी इंफॉर्मेशन निकाली जा सके और वो फिनिशेस भी उनके हिस्से में आ रहे हैं. आप देख ही सकते हैं जो हमें यू नो फिनिश फील्ड के अंदर साइड में देखने को मिल रहा है. यहाँ पर मुन्ना भी कोशिश कर रहे हैं अपना एक स्प्रे देने की, M4 का 3 टाइम से एक अच्छा स्प्रे देने की और क्रॉन्टन ने हाइड्रा रेथ को जरूर पिक कर लिया है. पाव किलो, वो भी अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं पिक्स निकालने की। पर यहाँ पे घातक की टीम को देखें कितने प्यारे तरीके से अपना पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, पेशेंटली खेल रहे हैं, दे हैव अ वेरी गुड स्पॉट। अगर मैं बात करूं ऑल्दो रोटेशन उनको करना होगा, एंड वहां पे घासली ने जोनाथन को कंफर्म किया, नियो पे गमला बॉय का पूरा अटैक, एंड आई थिंक यहाँ पे टीम जोनाथन काफी ज्यादा तकलीफ में। अब हमारे सामने टीम मॉर्टल जिनको सर्कल के अंदर जाना है, उनके पास एक व्हीकल है, देखते हैं किस तरह से सर्कल के अंदर अप्रोच करेंगे। 15 ही सेकंड बचे हैं, 4 किल्स हैं उनके पास, पर अभी भी 15 टीम है, तो कोई भी टीम अगर अभी एलिमिनेट होती है उनको पोजीशनिंग में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। वेल, वहां पर जी गॉड भी अपने ग्रेनेड से फिनिश होते हुए नजर आए जरूर थे, लेकिन अब सवाल ये बनता है, जैसे आपने टीम घातक की बात करी, हाँ उनके पास एक समय पर सर्कल था, बट अब जैसे अगला जोन आया है तो उनको जोन के अंदर मूव करना पड़ेगा। मीनवाइल प्लेयर्स के लिए थोड़ी बहुत दिक्कतें तो हो रही हैं जब वो ग्रेनेड थ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब मूवमेंट और मोमेंटम की बात आती है। इस समय सर्कल और गेम एक अच्छा मोमेंटम पकड़ता है, फास्ट पेस फाइट्स में देखने को मिलते हैं, तो उस हिसाब से आपको भी अपना मोमेंटम बना करके रखना होता है। मैं बता देना चाहूंगा टीम घातक में सेंसे की, आई एम नॉट श्योर इफ ही इज डूइंग द आइडियल कॉल्स और नॉट, बिकॉज सेंसे की आइडियल कॉल्स बहुत बेहतरीन हो जाती है कभी कभी, लेकिन यहाँ पर फाइट होते नजर आ रही है, जिसके अंदर प्रिंस ने ऑब्वियसली वहां पर प्रो को डाउन कर दिया, नोवा किंग गॉड निक्सन को पिक ऑफ कर चुके हैं। इन सब फाइट्स बीच में पीजी वहां पर पाव किलो को फिनिश करते नजर आएंगे, लेकिन प्रिंस अब घातक के ऊपर अपना पूरा यहाँ पर दारोमदार डाल करके आ चुके हैं, और वो एक पिक निकाल चुके हैं और फिनिश भी उनकी तरफ से किया जा चुका है। टॉप से कैप्टन ने वहां पर फिनिश किया, गॉड निक्सन को यहाँ पर पिक निकालने की कोशिश गॉडल राइट की तरफ से। बिल्कुल इंप्रेस्ड हूं मैं देखते हुए कि क्रॉन्टन किस तरह से खेले, मल्टीपल नॉक्स अपने टीम के लेते हुए इंडिया के अंदर, और बहुत बेहतरीन तरीके से उनके कॉल्स बहुत ही ज्यादा रिफाइंड कॉल्स रहते हैं। सो आई वुड लव टू सी व्हाट हैपेंस टुडे, बट वेल स्नैक्स यहां पर रिमॉर्टल की मुझे नॉकआउट फिनिश करेंगे, टॉक्सिक सिंह को भी यहां पर डाउन किया जा रहा है रेगटॉस के द्वारा। रेगटॉस इज ऑन फायर राइट नाउ, फिनिशेस निकालने की कोशिश है, एकेएम काफी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते नजर आए, इनके पास एक्सप्लोजन के लिए वेपन है, और 3 टाइम से अब शॉट्स दिए जा रहे थे ताकि वो जो चिप डैमेज है वो धीरे धीरे करते रहे। इनको पता है इनके सामने एक प्लेयर है, तो मतलब उनका स्क्वाड भी पीछे और हो सकता है, तो ग्रेनेड्स दे करके एक अच्छे फ्लो में डैमेज निकालने की कोशिश होगी, अगर कोई रिवाइव कर रहे हुए तो जरूर दिक्कत दे सकते हैं। देयर इट इज, दैट्स रेगटॉस फॉर यू। 3 फिनिशेस आते हुए टीम के पास 6 आ चुके हैं पॉइंट्स, और ये 6 फिनिश पॉइंट्स इनके ओवरऑल स्टैंडिंग में जरूर अच्छा एक रिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। छठे सर्कल में अभी भी 8 टीम पेंडिंग है, एंड मैं बोल रहा था इन्फ्लुएंसर पार्टी यहाँ पे मतलब क्या इन्फ्लुएंसर पार्टी, दिस इज आउटस्टैंडिंग, जस्ट अनबिलीवेबल, दिस इज द केओस दैट वी वांटेड। आई मीन तक अगर इस चीज की बात करें, 7 टीमें अभी के लिए जीवित है, 20 लोग जीवित है, सर्कल छोटा है, बट प्लेयर्स के पहले गेम के चिकन डिनर के सपने बहुत बड़े इस समय, और वही चीज यहाँ पर नजर आ रही है, जिसके अंदर आप देख ही सकते सर्कल धीरे धीरे आगे जा रहा है। कुछ प्लेयर्स हैं सर्कल के बाहर, अगर वो जोन में नहीं पहुंचे तो पहले जोन उनको पनिश करेगा, एंड मे बी बाद में उनके ओपोनेंट्स उनको पनिश करें, उनके फिनिश पॉइंट्स अपने हिस्से में लेकर के सांगवान कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए न्यूक्लियर का एक नीड गमला बॉय को वहां पर पिक करता नजर आता है, लेकिन वो यहाँ पर सांगवान उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रेट स्टफ बाय सांगवान, इतने छोटे से एंगल को कितने प्यार से होल्ड करके रखा है। हालांकि तीनों प्लेयर्स अलाइव, आई एम सुपर इम्प्रेस बाय टीम सांगवान एज वेल, जिस तरह से उन लोग खेले। रौनक की टीम भी बहुत अच्छा खेल रही थी, वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, बट आई थिंक दे रिकवर्ड वेल। रौनक वहां फिनिश हो गए, बट टीम प्लेयर्स अभी भी अलाइव है, एंड दे आर गोइंग आउट। हाइड्रा के न्यूक्लियर की बात करें, अपने टीम को पोजीशन पॉइंट दिलाने की कोशिश, एंड स्नैक्स की बात करें, मतलब आई एम कंफ्यूज, हर टीम इतना कोऑर्डिनेटेड, इतना सिंक्रोनाइज परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं कि दिस फील्स लाइक द रियल लॉन्च पार्टी, द फेस्टिवल, द एक्स्ट्रावेगेंजा वी वर ऑल वेटिंग फॉर। सो रेगटॉस यहाँ पे टीम आईएनडी के स्नैक्स को पिक ऑफ करते हुए डाउन टू 18 प्लेयर, 7 टीम हमारे साथ बचे हैं। जी के ब्लेजी के सामने, बिल्कुल सामने वहां पे एक और प्लेयर है। मीनवाइल सोल मवी गाड़ी चलाते हुए पिक ऑफ किए, पर रायद इंस्टेंटली कवर फायर में रेगटॉस को नॉक एंड फिनिश किया, दैट मींस ही वाज नॉट इन कवर। और पुकार ने वापस सोल मावी को नॉक किया, गमलाबन ने उनको फिनिश भी किया यहाँ पर, तो किल्स यहाँ से काफी बटोरे जा रहे हैं, फिनिशेस यहाँ से बटोरे जरूर जा रहे हैं। क्रेटोस आगे मूव करने की कोशिश करेंगे, स्नैक्स की एचपी काफी लो हो चुके, तो वो अपने लिए हीलिंग आराम से यहाँ पर निकालना चाहेंगे, लेकिन अब हर कोई सर्कल में, और अगला जोन टच करते पता चल जाए किसका ये गेम हो सकता है। मे बी सेंटर लाइन पर ये सर्कल जाता हुआ नजर आता है। सोल स्काउट यहाँ पर प्ले जोन से फिनिश होता है। 5 टीमें देवियों से चुनो, 14 लोग, 5 टीमें बची हैं। देखते हैं ये पहला चिकन डिनर किसके हिस्से में जाता है। रौनक का स्क्वाड एक तरफ आप देख सकते हैं, जो सांगवान का स्क्वाड है वो मिडिल एरिया होल्ड करके बैठा हुआ है, पीछे आईएनडी का स्क्वाड है, एंड दे नो व्हाट दे आर हियर टू डिलीवर अ रियली गुड गेम प्ले। नोवा किंग वहां पर पंख को पिक ऑफ करते नजर आ रहे हैं, उसी के साथ 4 टीमें बची है। बिल्कुल, अगर यहाँ पे आप देखो आईएनडी यहाँ पे ऑन अ रोल राइट था, उनको कोई चीज का टेंशन नहीं है। 4v3v3 का सिचुएशन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रादर इट्स 4v3v2v2। हाँ, तो काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। यहाँ पे आईएनडी के पास मैन एडवांटेज है, आईएनडी के पास मोटिवेशन एडवांटेज है, कॉन्फिडेंस एडवांटेज है, दे जस्ट नीड टू गो। बट एक बात ओशन, आई एम सुपर इंप्रेस द वे क्रॉन्टेन की टीम ने खेला है, जिस तरह से क्रॉन्टेन अपनी टीम को फ्रंट से लीड किया है, उसको प्यारा कवर मिला, ही डिड अ ग्रेट जॉब। एंड डार्क का सोमराज को पिक ऑफ करने के लिए बहुत ही शानदार प्ले, बट इंस्टेंटली गेट्स पनिश्ड बाय गमला बॉय। Well, M249 used to be a poetry of 100 bullets. अब स्टोरी बन रही है क्योंकि 150 गोलियां इसमें आती है धीरे धीरे। उन सबके बाद आप देखिए क्रेटोस यहाँ पर ग्रेनेड्स काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं दलजीत के पास पहुंचना ताकि ये ऑफ एंगल्स देख सके, बट वहीं पर स्नैक्स को डाउन किया जाएगा और दलजीत एक अच्छा ट्रेड लेगा क्रॉन्टन का और सीधा फिनिश करेंगे, कोई समय नहीं गवाएंगे। और दलजीत धीरे धीरे आगे मूव करे, बैकपैक अपना रिमूव कर चुके लेवल 3 वेस्ट इनका जो प्रॉपरली फाइन है, लेकिन जो हेलमेट है वो आधे से ज्यादा यहाँ पर डैमेज किया जा चुका है। आतंकी भी हल्का सा आगे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, सांगवान इज ऑन टू द बैक साइड और वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं अगर वो भी अच्छे पिक्स निकाल सके। उनके पास एक एयर ड्रॉप का कवर है जो उनको हेल्प कर रहा है अभी के लिए। राइट एंड यहाँ पे सांगवान और डार्क बिल्कुल तैनात है। देखिए टीम आईएनडी के सामने हमने बहुत बार देखा है कि कभी कभी ये चीज फेवर में निकल जाता है, एंड वही होते हुए डार्क यहाँ पे आतंकी को पिक ऑफ किया, स्नैक्स भी शायद स्पॉटेड एंड डार्क यहाँ पे क्रेटोस को भी लिया अपने M249 के साथ ऑन अ रोल, बट स्नैक्स डिड अ वेरी स्मार्ट जॉब। वहां पे नेट यूज किया क्योंकि लोकेट नहीं कर पा रहे थे, एंड इंस्टेंटली डार्क को फिनिश ऑफ भी करेंगे। सांगवान अकेले बचते हुए डाउन टू 2v2v1। यहाँ पे obviously IND has an advantage, but I think ये advantage को ज़्यादा तक रख नहीं पाएंगे because they will eventually won't be able to go for the revive. But look at that molotov, क्या शानदार molotov वहाँ पे दलजीत की तरफ से सांगवान को spot करते हुए, and सांगवान काफी डैमेज है। I think he'll go for the heal because smoke का cover है उनके पास। दलजीत अच्छे तरीके से suppress कर रहे हैं अपने opponents को और वो चीज करते में वो काफी ज़्यादा बेहतरी यहाँ पर दिखा रहे हैं। सांगवान एक HP पर बचे, is literally surviving on one pixel right now. One mistake and yes, he'll be taken down. दलजीत के बाद तीसरा फिनिश आता है और अब ये आ चुके फ्रंट की टीम से फाइट करने के लिए, राज के सामने की तरफ से निकल को डाउन किया जा चुका है दलजीत। वेल 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 नोवा किंग और इनके बीच में अभी के लिए ये पूरा एक पत्थर है जिसका एक कवर बना रहे हैं और क्रेटोस को रिवाइव कर रहे हैं, लेकिन वो जो 15 पॉइंट्स है वो 15 पॉइंट्स नोवा किंग लेकर के जाएंगे। क्या वो यहाँ पर हमें एक 1v4 करते नजर आ सकते हैं या फिर आईएनडी काफी बेहतरीन तरीके से चिकन डिनर निकालेंगे। देयर इट इज द फर्स्ट एवर winner chicken dinner coming up for team Snacks.